गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से पर्सनली मिलने के लिए संपर्क करें 24 और 25 अप्रैल दिल्ली 6542068564544625 26 अप्रैल जयपुर 7 मई जमशेदपुर 8 मई पटना 5190009314728165 27 और 28 अप्रैल मुंबई 9324274693223770 5 व 6 मई कोलकाता 9831602512900747506 आज व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के साथ साथ धन धान्य यश कीर्ति मान सम्मान ऐश्वर्य सभी चीजें प्राप्त करना चाहता है और यह सभी हमें मां लक्ष्मी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त होती हैं। और यदि हम मां लक्ष्मी का अस्थाई रूप से वास चाहते हैं तो लक्ष्मी के साथ उनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना व साधना करना परम आवश्यक है। तो यदि आप भी अपने भाग्य को परिवर्तित करके मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास है स्वर्णिम अवसर। 21 अप्रैल को अक्षय तृतीया के सौभाग्यशाली अवसर पर आप सभी भक्तजनों पर मां लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्ति हेतु परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी ने अपने दिव्य शक्तियों द्वारा निर्माण किया है संपूर्ण भाग्यवर्धक विष्णु लक्ष्मी साधना का, जिसे संपन्न करके आप अपने सोए भाग्य को जगाकर अपने घर में मां लक्ष्मी का स्थिर वास बना सकते हैं। इस साधना में आप पाएंगे 9 अभिमंत्रित सामग्रियां, मंत्र चैतन्य युक्त संपूर्ण भाग्यवर्धक विष्णु लक्ष्मी यंत्र, अभिमंत्रित शंख चक्र, मंत्र सिद्ध लक्ष्मी चेटक, धनकारक कौड़ियां, तांत्रोक्त सरसों, मंत्र चैतन्य युक्त स्वर्णाकर्षण गुटिका, प्राण सिद्धि कमलगट्टा, अभिमंत्रित हल्दी की गांठ, मंत्र चैतन्य युक्त भाग्यवर्धक लक्ष्मी माला व अष्टगंध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190009829026259314728165 दिल्ली 6542068585 एवं 6454462 5 मुंबई 9324272446 एवं 9322377660 नागपुर 9371073487 मेरे प्रिय शिष्यों, साधकों और आज के हमारे नवीन दर्शकों, आप हो या मैं हूं, आम हो या खास हो, उस इंसान के जीवन में वो कर्म करता है यानी काम धंधा करता है, कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई प्रोफेशनल फील्ड में जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी खुशी रहती है कि मैं अपना मकान बनाऊं, मैं अपने बच्चे का विवाह करूं, खुद के विवाह के बारे में भी सोचता है, खुद की संतान के बारे में सोचता है, कोई नया व्यापार लेने के बारे में सोचता है, नई दुकान खोलने के बारे में सोचता है, नई किसी प्रकार की नौकरी को ज्वाइन करने के बारे में सोचता है, कोई भी प्रकार का शुभ या मांगलिक कार्य के बारे में सोचता जरूर है। परंतु जब हम शुभ काम करते हैं तो अपनी मर्जी के अनुसार क्यों नहीं कर लेते हैं? उस शुभ काम में हम मुहूर्त क्यों देखते हैं? क्योंकि शुभ काम कभी भी अशुभ समय में नहीं करने चाहिए, हमेशा उसके लिए शुभ समय की तलाश रहती है। तो यह शुभ समय कब आता है? अक्षय तृतीया के बारे में आज विशेष मैं आज बात करूंगा। बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो जानते ही नहीं है, उन्हें यह तो पता है कि आखा तीज या अक्षय तृतीया नाम की कोई चीज है, कोई पर्व आता है, लेकिन वो कब आता है और कब चला जाता है पता ही नहीं पड़ता है। और हमारे भारत से बैठे हुए बाहर बैठे हुए दर्शकों को विशेष रूप से कुछ पता नहीं चलता है, जबकि बहुत सारी चीजों में, क्योंकि मैंने बहुत सारी कंट्रीज विजिट की हैं, बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, कई मायनों में हिंदुस्तान से बाहर बैठे हुए लोग ज्यादा धार्मिक है, ज्यादा अच्छे ढंग से वो सोशल है। हम लोग इतना भजन पूजा पाठ नहीं करते हैं सोशली गैदरिंग के द्वारा, उससे ज्यादा वो बाहर के लोग करते हैं, ऐसा मैंने बहुत सारे देशों में देखा है। शायद जितने अच्छे ढंग से हम पर्व नहीं मनाते हैं उससे भी बेहतर ढंग से वो बाहर के लोग, हमारे जो भारतवासी बाहर बैठे हैं, वो मनाते हैं। अब आइए आज हम बात करते हैं कि हमारा देश
हमारे इस देश में जो कि विश्व का गुरु बनने की ओर अग्रसर है, वर्ष भर कोई ना कोई व्रत पर्व और त्योहार उत्सव आते ही रहते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूं अक्षय तृतीया की, जो कि इसी 21 अप्रैल 2015 को मनाई जा रही है। अक्षय इसका शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी क्षय नहीं हो, जो कभी टूटता नहीं हो। अक्षय अविनाशी, अखंडित, यानी कभी भी खंडित नहीं हो सकता है, सदैव पूर्ण हो, स्थाई हो। प्रत्येक वर्ष में ऐसी एक ही तिथि है, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया, इसे ही हम अक्षय तृतीया और हमारे देहात और गांव की भाषाओं में इसे आखा तीज भी कहते हैं। इस वर्ष 2015 में यह तिथि मंगलवार को 21 अप्रैल के दिन है। यह तिथि श्रद्धा व उमंग का सामंजस्य है। भारतीय काल गणना के अनुसार चार स्वयं सिद्ध अभिजीत मुहूर्त है, जिसमें किसी पंडित जी से आपको मिलने की जरूरत नहीं है। इस चारों पर्व में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं, इसलिए चाइल्ड मैरिजेस तक हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश ऐसे बहुत सारे देशों में, शहरों में जरूर होता है, जो कि अपराध है, लेकिन फिर भी बाल विवाह बचपन में ही उनका विवाह कर दिया जाता है। सबसे ज्यादा वो आखा तीज के दिन होता है। चैत्र पहला जो तिथि है जिसपे किसी पंडित जी से मिलने की जरूरत नहीं है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा गुड़ी पड़वा, अक्षय तृतीया, आखा तीज, दशहरा जिस दिन रावण का दहन किया जाता है, और दीपावली से पूर्व की प्रदोष तिथि, महानिशा की रात्रि, ये सभी तिथियां विशेष रूप से मानी गई है, जिन पर मंगल आयोजन करने के लिए, यानी शुभ या मांगलिक कोई भी कार्य करने के लिए, कोई मुहूर्त देखने की, पंडित जी से मिलने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। यह आत्मनिरीक्षण, आत्म अवलोकन का दिन है। अक्षय तृतीया की जो तिथि है वो सप्त ऋषियों में से एक है। इस कारण अक्षय तृतीया को, जिसको कभी भी टूटा या तोड़ा नहीं जा सकता है, चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है। इस वर्ष जो कि मैंने कहा कि 21 अप्रैल को अक्षय तृतीया है, और इसके एक दिन पूर्व सोमवार 20 अप्रैल वैशाख मास की द्वितीया को वैशाख के चंद्रमा का उदय होगा। मेष राशि में स्थित बुध भी पश्चिम दिशा से उदय होंगे। मंगलवार 21 अप्रैल वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया के दिन 6:11 से 11:58 तक सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है। तो इस शुभ समय में आप, ये सुबह का समय, इस समय विशेष में सोने चांदी, कोई गाड़ी आपको खरीदनी है, भूमि भवन का प्रवेश करना है, कोई नया जमीन लेनी है, कोई सौदा करना है, नया कोई बिजनेस शुरू करना है, दुकान शुरू करनी है, कोई भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको साइन करना है, कोई नई पार्टनरशिप डीड बनानी है, ये सारे काम इस दिन कर सकते हो। पर अगर किसी चीज को तोड़ना है तो वो इस दिन नहीं करना चाहिए। सिर्फ शुभ और मांगलिक कार्य जरूर करने चाहिए। नया घर का प्रवेश करना है या उस नए घर के लिए नींव रखनी है, यज्ञोपवीत, थ्रेड सेरेमनी, जो जनेऊ संस्कार, विवाह संस्कार आदि शुभ कार्य संपन्न आप कर सकते हैं। इस दिन किए गए दान, यज्ञ, मंत्र, जाप, साधना, सदकार्य अक्षय रहते हैं, हमेशा आपका इनका आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए अक्षय तृतीया का इतना महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन किए गए कार्य अक्षुण्य होकर सदा के लिए कायम रहते हैं, इसीलिए इस दिन लोग जमकर सोना, आभूषण, अन्य वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, बैंक खाते खुलवाते हैं, ताकि खाते में राशि अक्षुण्य रहे, हमेशा आपका बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, हमेशा आपके घर में धन वर्षा हो। इस दिन लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कूड़ा करकट सब कुछ पहले से ही बाहर फेंक दीजिए। बहुत सारी ऐसी सामग्री आपके घर में होती है जो कि आप सोचते हैं कि कभी काम आएगी, बाद में बेच दूंगा उसे, मैं तुरंत प्रभाव से उसे बेचिए और नया लेकर आइए। हालांकि अगर आपको बेचना नहीं, आपको बेचना पसंद नहीं है, ज्यादा कोई पैसा नहीं आता है, तो किसी के काम आ सकती है उसको दे दीजिए। घर में कोई छोटा मोटा कैमरा पड़ा है पुराना, दे दीजिए। घर में कोई टीवी फ्रिज ऐसा है जो आपके काम नहीं आता है, आपने उसको गैराज में रखा हुआ है, किसी को दान करिए, गिफ्ट करिए और आगे बढ़िए, नई चीजों को लेकर आइए। हिंदुस्तान में कई लोगों की ऐसी मानसिकता रहती है कि हम उसे बचा बचा के रखते हैं, कभी वो काम आएगा, और एक दिन उसे बाहर फेंकना पड़ता है। बेहतर है कि वो जब तक कूड़ा नहीं हो जाए किसी और के काम आ सकता है, याद रखिएगा इन शब्दों को। लेकिन दान पुण्य साधना अनुष्ठान किए जाएं तो निश्चित रूप से दान पुण्य और सदकर्म आपके जीवन के अकाउंट में अक्षुण्य हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। कैसे यह मैं आपको बताता हूं। अक्षय तृतीया की विशेषता क्या है? हमारा सबका एक मानसिकता रहती है, भाई हमें इस पूजा पाठ से लाभ क्या मिलने वाला है। तो इस दिन नर नारायण ने अवतार लिया था, महर्षि परशुराम जी हयग्रीव अवतरित हुए थे। इसी दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। चारों धामों में प्रमुख बद्री नारायण जी के पट खुलते हैं। इसी दिन गौरी व्रत की समाप्ति हेतु
गौरी माता पार्वती का पूजन भी किया जाता है। वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में केवल इसी दिन चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। यही नहीं, बहुत से शुभ व पूजनीय कार्य इसी दिन से प्रारंभ होते हैं। इस दिन गंगा स्नान का बड़ा भारी महत्व है, जिससे सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। इसी दिन आत्माओं की प्रसन्नता के लिए घड़ी, कलश, पंखा, छाता, चावल, दाल, नमक, घी, चीनी, साग सब्जी, इमली, फल, वस्त्र, खड़ाऊ, सतू, ककड़ी, खरबूजा, दक्षिणा आदि का ब्राह्मणों को दान जरूर करना चाहिए। आप हमारे हिंदुस्तान से बाहर बैठे हुए सारे दर्शक इस दिन कुछ पैसा अपने गुल्लक में डाल दीजिए, कभी इंडिया आने का मौका मिले, कभी यहां पर कोई मिल जाए उससे उस पैसे को उनके अकाउंट में ट्रांसफर करके फिर भी दान करवा सकते हैं, लेकिन इस दिन कुछ पैसा जरूर सेपरेट रखना चाहिए। जिस दिन धन की सुरक्षा के लिए बैंकों में अकाउंट लॉकर है, वैसे ही हर व्यक्ति के कर्मों का भी अकाउंट है। पाप, अपराध, अधर्म, हिंसा आदि कुकृत्य एक अकाउंट में दर्ज है, जो आपके दूसरे अकाउंट में धर्म, पुण्य, भक्ति, आराधना, गुरु सेवा, अर्थ से लेकर अन्न, जल, दीन दुखियों की सेवा आदि दर्ज होती है। बैंक में और इस अकाउंट में फर्क यह है कि बैंक से जब चाहे जमा धन निकाला जा सकता है, जमा भी कराया जा सकता है, अकाउंट बंद भी करवाया जा सकता है, किंतु दूसरी ओर अपने कर्म, धर्म, पाप, पुण्य, दान के अकाउंट में सिर्फ जमा हो सकते हैं, उसमें से निकालना आपके लिए असंभव है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि धन, संपदा, वैभव, भोग तथा सुख के साधन अपनी जगह घर में ही रह जाएंगे, बंधु, स्नेही जन, संतान आदि शमशान में ही छूट जाएंगे, किंतु स्वयं के द्वारा किए गए शुभ अशुभ कार्य, दान, पुण्य, धर्म साथ ही रहेंगे। इसके अकाउंट तथा इसमें अलग अलग बैलेंसों का पता चलेगा। इनमें कुछ शुभ अशुभ बैलेंस का भुगतान दुख, बीमारी, आघात, वियोग, हानि, सुख, शांति के रूप में हो चुका होगा। दान, धर्म, पुण्य करने से जीवन शांतिमय, सुखमय, धर्म के अनुरूप ही रहेगा। मरने के बाद भी आपका अकाउंट आपके साथ चलेगा और वही आपको मोक्ष देगा। इसीलिए इस अक्षय तृतीया को भक्तिमय बनाइए, दान पुण्य करिए, सत्कर्म करिए, निराश्रितों को सहारा दें, किसी की प्यास बुझाएं तो किसी की क्षुधा को शांत करें। तो इस ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा इस विशेष साधना के बारे में जो आपको अक्षय तृतीया को करनी है। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से पर्सनली मिलने के लिए संपर्क करें 24 और 25 अप्रैल दिल्ली 6542086856454625, 26 अप्रैल जयपुर, 7 मई जमशेदपुर, 8 मई पटना, 5190000, 9314728165, 27 और 28 अप्रैल मुंबई, 9324274469322377660, 5 व 6 मई कोलकाता, 9831602512, 9007477506। मनुष्य के जन्म के साथ उसके भाग्य की रचना हो जाती है, जिसमें उसके जीवन में घटित होने वाली छोटी बड़ी सभी घटनाओं को ईश्वर ने तय कर रखा होता है। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने अनुसंधान कर भविष्य के गर्भ में देखने की शक्ति प्राप्त की और इस प्रकार विश्व को मिला ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान जो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 राशि और कुंडली के 12 भावों पर आधारित होता है। इस आधार पर यह हमें भविष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी देता है। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से कुंडली बनवाकर और कुंडली का परीक्षण करवाकर कितने ही लोगों ने अपने दामन को खुशियों से भर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि ज्योतिष भाग्य नहीं बदल सकता, पर भाग्य को संवारा और सुधारा जा सकता है। दुख कटे आए जीवन में खुशहाली, जब कृपा करे गुरुदेव सुरेश श्रीमाली। जन्मकुंडली आपके भविष्य का आईना है, ये बतलाती है कब और किस दिशा में होगा आपका भाग्योदय, आपका लकी नंबर, क्या आप मांगलिक हैं, आपका लकी कलर, आपका वाहन सुख, आपके लिए भाग्यशाली रत्न,
आपके भाग्योदय कारक इष्ट देव, आपके जीवन की घटनाओं और दुर्घटनाओं की जानकारी, आपके विवाह योग या फिर कैसा होगा आपका दाम्पत्य जीवन, आपके स्वयं के मकान का सपना कब होगा साकार, यदि आप विद्यार्थी हैं तो कौन सा विषय चुने, कौन सी राशि आपकी मित्र राशि है, किस राशि से आपको हानि हो सकती है, आपको कैसा रोजगार या व्यापार अधिक फलेगा, क्या आपकी कुंडली में कोई दोष है या फिर आपको राजयोग है। गुरुदेव श्री सुरेश श्रीमाली जी के मार्गदर्शन में बनी इस जन्म कुंडली को जल्द ही मंगवाइए और अपने भविष्य को संवारिए, ठीक वैसे ही जैसे बहुत से लोगों ने अपना जीवन संवारा। हर इंसान चाहता है कि वो सुख यानी कंफर्टेबल जिंदगी और सुविधाएं, मटेरियलिस्टिक चीजें उसको हमेशा मिलती रहे, कोई परेशान संघर्ष स्ट्रगल लाइफ नहीं चाहता है। परंतु चाहने के बावजूद और मेहनत करने के बावजूद इंसान को नहीं मिले, वो हार्डवर्क करता है लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल पाता है, वो अपनी पढ़ाई में मेहनत करता है लेकिन जैसी मेहनत की वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है, पढ़ाई पूरी हो गई लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार खोल दिया पड़ोस की दुकान में बहुत सारे ग्राहक आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, हमारे ग्राहक में नहीं आ पाते, हमारी लोकेशन अच्छी है फिर भी हमारा व्यापार नहीं चलता है, हम खूब मेहनत करते हैं, लोगों को लगता है कि यार इस इंसान ने बहुत पैसा कमाया होगा लेकिन फिर भी हमने उतना पैसा नहीं कमाया जो हम डिजर्व करते हैं, जो हमारी मेहनत है, जो हमारी सामर्थ्य है, शक्ति, स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी, व्यूज, आइडियाज, उसके अनुसार हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हमारे द्वारा सुझाए गए प्रयासों से लोग तरक्की कर जाते हैं लेकिन हमें जब तरक्की करनी होती तब हम नहीं कर पाते, हमारे द्वारा कोई तरक्की करे हम उसमें तकलीफ नहीं है लेकिन हमारा खुद का अधिकार है कि हम तरक्की करें। तो मैं कई बार कहता हूं भाई लक्ष्मी पारा आपका भाग्य नहीं है, आपका अधिकार है लेकिन कर्म करिए। मैं चाहता हूं कि ये जो साधना आपको बता रहा हूं ये हर व्यक्ति को करनी चाहिए, हर नौकरी पेशा व्यक्ति को करनी चाहिए, हर बिजनेसमैन को करनी चाहिए, लेकिन हमने एक मानसिकता बना रखी है कि जो दान पुण्य पूजा पाठ है वो हमारी पत्नी करेगी, हमारी बहन करेगी, हमारी मां करेगी, हम खुद कुछ नहीं करेंगे। हमें पत्नी तो सीता चाहिए लेकिन खुद राम का रोल प्ले नहीं कर सकते हैं, खुद हम राम नहीं बन सकते हैं, हम तो रहेंगे वही पर हमें पत्नी बिल्कुल सतीव्रता चाहिए। ये सोच को आपको निकालना पड़ेगा और खुद आपको प्रभु भक्ति में जाना पड़ेगा। अरे 5 मिनट निकालिए अपनी जिंदगी में, जो ईश्वर ने आपको इतना बढ़िया शरीर दिया है जिसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन वो शरीर फिर भी आपके लिए सारे काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने भाग्य को आजमाने के लिए, भाग्य में कुछ किक मारने के लिए, भाग्य को तरक्की दिलाने के लिए, भाग्य को स्पीड देने के लिए कोई तो काम करिए। तो ये साधना है आप सभी के लिए, संपूर्ण भाग्यवर्धक विष्णु लक्ष्मी साधना। सिर्फ लक्ष्मी को नहीं मनाना है, हमें लक्ष्मी जी को विष्णु जी के साथ मनाना है तभी वो हमारे घर में स्थायी रूप से रह पाएंगे, वरना तो लक्ष्मी आएगी और चली जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि हेतु और व्यापार वृद्धि, धन धान्य सुख, कंफर्टेबल जिंदगी, कुटुंब सुख, नौकरी में स्थायित्व और सभी प्रकार की सिद्धि हेतु संपूर्ण भाग्यवर्धक विष्णु लक्ष्मी साधना का विशेष अपना एक महत्व है, क्योंकि इस साधना में मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी विशेष रूप से पूजन किया जाएगा और यदि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए तो लक्ष्मी मां की विशेष कृपा दृष्टि होने में कोई संदेह नहीं हो सकता है। इसीलिए अक्षय तृतीया के इस विशेष अवसर पर मैं आपको विष्णु प्रिया लक्ष्मी की यह अचूक और अलौकिक साधना बताने जा रहा हूं जिसे संपन्न करके आप भी अपना भाग्य बदल सकते हैं। हो सकता है हम अपनी किस्मत को पूरा नहीं बदल पाएं लेकिन हम उसमें कुछ इजाफा जरूर कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके जिंदगी में सब कुछ पाना लिखा हो लेकिन मेहनत के बाद पाना लिखा हो, तो मेहनत करनी होगी, साधना करनी होगी, क्योंकि साधना के पथ पर चल के ही आपको मंजिल मिल पाएगी। अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल सुबह स्नान आदि जो रोजमर्रा के जीवन के सारे काम करके बिना लड़ाई झगड़े के बिल्कुल निस्वार्थ भाव से निवृत्त सारे कर्मों से होकर शुद्ध लाल वस्त्र को धारण करना है, या लाल कोई गमछा भी पहन लीजिए, लाल आसन बिछाकर उस पर बैठ जाइए और अपने घर के मंदिर अथवा शुद्ध स्थान में आसन लाल हो या कोई भी हो बिछाकर बैठ जाए और अपना स्थान ग्रहण करने के बाद अपने सामने एक बाजोट रखना। मैं बार बार किसी साधारण बाजोट का नाम लेता हूं क्योंकि आप नीचे बैठिए, ईश्वर परमात्मा परमपिता परमेश्वर का स्थान आपसे ऊपर होना चाहिए, ले और उस पट्टे पर शुद्ध लाल वस्त्र बिछा दीजिए और फिर बाजोट पर एक चांदी, तांबे अथवा स्टील की कोई भी थाली ले लें
और उसमें अनामिका अंगुली जो सेकंड लास्ट फिंगर होते हैं, छोटी वाली से पास वाली जो अंगुली होती है, अनामिका अंगुली से कुमकुम के अंदर थोड़ा जल मिलाकर स्याही बना लीजिए और स्वास्तिक का चिन्ह बनाए। स्वास्तिक के चिन्ह पर एक केसर की डिब्बी को खोलकर बिखेर दें तथा उस पर 3 हल्दी की गांठ, 11 सूखे छुआरे, 11 लौंग, स्वर्णाकर्षण गुटिका, लक्ष्मी चेतक और 5 लक्ष्मीदायक कौड़ियां तथा कमल गट्टा भी आपको रखना है। कमल गट्टे की माला भी आपने देखी होगी, उसे रखना है। ये सब लक्ष्मी को प्रिय है। अब कई सामग्री तो आपके घर में होगी, कई नहीं होगी, उसे आप बाजार से प्राप्त कर लीजिए या फिर जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र से पूरा लक्ष्मी जो विश्व लक्ष्मी साधना का पैकेट है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप अपने किसी भी जगह से मंगवा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, पर इस साधना को जरूर करिए। फिर मां लक्ष्मी का मानसिक रूप से ध्यान करिए, इस ज्ञान मुद्रा में अपने गुरु का स्मरण करिए और मां लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी ये साधना करने जा रहा हूं, मेरे पूरे परिवार को इसका लाभ मिले और उनसे अपने घर में सुख समृद्धि व स्थायी लक्ष्मी के वास हेतु निवेदन करें। इसके बाद थाली में से साबुत हल्दी की 3 गांठ, 7 छुआरे, लौंग, गुटिका, चेटक, कौड़ियां तथा कमल गट्टे को उठाकर किसी दूसरे लाल वस्त्र में रख दें। थैली या पोटली का रूप भी आप दे सकते हैं और उसके बाद धन रखने के स्थान पर उसे ले जाकर रख दीजिए। इसके बाद थाली में बची केसर को स्वास्तिक का चिन्ह पर थोड़ा सा पानी मिलाकर इस प्रकार रगड़ें कि स्वास्तिक, कुमकुम व केसर एक ही हो जाए। फिर उसमें से थोड़ी सी केसर से स्वयं को तिलक करें तथा बाकी बची हुई केसर से नित्य प्रातः स्नान कर स्वयं के तिलक लगाते रहें। ऐसा करने से कुछ ही समय में प्रभाव दृष्टि गोचर होने लगेगा, यानी आपको लगने लगेगा कि हाँ, मेरे घर में अब रुपया पैसा बचने लगा है, हाँ अब हमारे व्यापार में आमदनी ठीक हो रही है, हमारे नौकरी में प्रगति हो रही है, हमारा जो रुपया पैसा फंसा हुआ था वो हमें मिलने लगा है। इस उपाय को संपन्न करने के पश्चात आपको संपूर्ण भाग्यवर्धक विष्णु लक्ष्मी साधना शुरू करनी है। इस साधना को संपन्न करने के लिए आप बाजोट पर जो लाल वस्त्र बिछा है इसी के मध्य यानी बीचों बीच अक्षय यानी चावल की एक ढेरी बना दें, फिर बाजोट के चारों कोनों में काले उड़द की ढेरी बनाकर उन पर चमेली के तेल से चारों ढेरी पर दीपक प्रज्वलित करें यानी दीपक जलाइए। फिर एक थाली लेकर उसमें अष्टगंध द्वारा श्रीम, श्री के ऊपर बिंदी लगाइए, श्रीम का चिन्ह अंकित करें तथा उस पर संपूर्ण भाग्यवर्धक विष्णु लक्ष्मी यंत्र विराजमान कर दें तथा यंत्र पर शंख चक्र रख दीजिए। फिर उन पर 1.25 कच्चे दूध में थोड़ा सा जल, गंगा जल, थोड़ी केसर व मिश्री मिश्रित करके यानी उसका मिक्स करके सभी पर मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए विष्णु लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते करते अभिषेक करें। अभिषेक किसी भी चांदी या किसी पात्र से आप कर सकते हैं, चम्मच लेकर कर सकते हैं। अभिषेक पूर्ण होने के पश्चात शुद्ध जल से स्नान आदि करवाकर उन सभी को अक्षत से बनी ढेरी पर स्थापित कर दें। फिर उन पर केसर कुमकुम के द्वारा तिलक करें, अक्षत यानी चावल चढ़ाइए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए ये ध्यान रखिएगा, पुष्प चढ़ाइए, गुलाब के पुष्प और अच्छे पुष्प लेकर आइए बाजार से, उसे पहले से फ्रिज में रखिए और कमल का पुष्प भी हो तो वो भी चढ़ाइए। दूध से बना नैवेद्य यानी जो दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाइए। इत्र परफ्यूम बड़ा पसंद है माँ लक्ष्मी को, परफ्यूम थोड़ा छिड़किए, खुद लगाते हैं तो अपने माता जी के लिए भी हमें चढ़ाना चाहिए। चंदन की अगरबत्ती व घी का दीपक प्रज्वलित कर भाग्यवर्धक माला से इस मंत्र का 11 माला जाप करते करते गुलाब के पुष्प के साथ थोड़ा चावल मिश्रित करके चढ़ाते रहिए। मंत्र क्या है? ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमलवासिनी विष्णु प्रिया महालक्ष्मी मम ग्रहे आगच्छ गच्छ तिष्ठ तिष्ठ श्रीये नमः। मंत्र समाप्ति के बाद महालक्ष्मी को दोनों हाथों से अंजुली बनाकर निवेदन करें कि हे महालक्ष्मी, मैंने आज के दिन आपकी साधना व पूजा तन मन से संपन्न की है, यदि इसमें किसी तरह की त्रुटि रह गई हो तो मुझे बालक समझ के माफ करिए व मेरे घर में ईसाई रूप से निवास करें तथा मेरा जो घर भी है वो आपके ही द्वारा कुबेर की भांति अक्षत हो जाए, यानी हमेशा के लिए कभी भी टूटा नहीं, हमारा हमेशा पूरा परिवार चलता रहे, मेरे वंश की वृद्धि हो, सुख समृद्धि शांति हमेशा बनी रहे। और ऐसी वृद्धि की कामना करते हुए, ऐसी प्रार्थना करने के बाद आप निवेद्य घर के सभी सदस्य, कोई भी नौकर चाकर काम करने वाले लोग नहीं, तथा जो निर्माल्य जल है उसको अपने आसपास किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिए और उसके बाद
तांत्रोक्त सरसों भी उसमें मिला दीजिए, फिर पूरे घर और व्यवसाय थोड़ा सा बच जाए उसमें तांत्रिक सरसों मिलाइए, और घर और व्यवसाय प्रतिष्ठान कहीं आप नौकरी भी करते हैं तो अगले दिन वहां पर भी ले जाकर थोड़ा छींटा मार दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके सुख से अपने दुख से तो कम दुखी है और आपके सुख से ज्यादा दुखी है। और घर के सभी जगह पर जल को लक्ष्मी स्वरूप घर की कोई भी सुहागन स्त्री कोने कोने में छिड़क दे, जिससे लक्ष्मी के आशीर्वाद के साथ ही आपके घर या प्रतिष्ठान पर किसी भी तरह की ऊपरी बाधा, तांत्रिक प्रयोग, जादू टोना टोटका होगा, कोई रुकावट है तो वो धीरे धीरे उसका शमन होकर आपके आशा के अनुसार उस पर शांति मिलने लगेगी। ऐसा करने के बाद शेष पूजन सामग्री को यथास्थिति रहने दें। अगले दिन सुबह पुनः स्नान आदि से निवृत्त होकर संपूर्ण भाग्यवर्धक लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी यंत्र को अपने घर के मंदिर में किसी लाल कपड़े के ऊपर विराजमान कर दें, साथ ही शंख चक्र को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें एवं माला को मंदिर में ही रख दें तथा नित्य धूप अगरबत्ती करें, और बाजोट पर जो लाल वस्त्र व अनाज रखा हो उसे किसी को भी आपको दान दे देना चाहिए। अब यह पूरा कार्यक्रम 21 अप्रैल को आपको करना है, लेकिन इससे पहले आप सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे इस कार्यक्रम को आप देख नहीं पाए, सुन नहीं पाए, लिख नहीं पाए, YouTube पर जाकर अक्षय तृतीया टाइप करिए, श्रीमाली सुरेश श्रीमाली टाइप करिए, आपको हमारा एपिसोड दिख जाएगा। आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, फेसबुक से ज्वाइन करके देख सकते हैं, जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र से संपर्क करके देख सकते हैं। तो ये था पूरा कार्यक्रम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अक्षय तृतीया की। आपका जीवन इसी प्रकार अक्षय हो। आपको जीवन का धर्म समझ में आना चाहिए कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं। अच्छे भाव रखोगे, अच्छे कर्म करोगे, मां लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। यदि आप उससे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो हर जगह की डेट आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मिल नहीं पाते हैं तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, आप और हम दोनों टेलीफोन पर बात कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, जोधपुर में कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर ऐसे किसी कार्यक्रम के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी से पर्सनली मिलने के लिए संपर्क करें 24 और 25 अप्रैल दिल्ली 6542068564544625, 26 अप्रैल जयपुर, 7 मई जमशेदपुर, 8 मई पटना 5190000, 9314728165, 27 और 28 अप्रैल मुंबई 9324274469322 377660, 5 और 6 मई कोलकाता 9831602512, 9007477506। आज व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से संपन्न होने के साथ साथ धन धान्य यश कीर्ति मान सम्मान ऐश्वर्य सभी चीजें प्राप्त करना चाहता है, और यह सभी हमें मां लक्ष्मी के आशीर्वाद द्वारा ही प्राप्त होती हैं। और यदि हम मां लक्ष्मी का अस्थाई रूप से वास चाहते हैं तो लक्ष्मी के साथ उनके आराध्य देव भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना व साधना करना परम आवश्यक है। तो यदि आप भी अपने भाग्य को परिवर्तित करके मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके पास है स्वर्णिम अवसर। 21 अप्रैल को अक्षय तृतीया के सौभाग्यशाली अवसर पर आप सभी भक्तजनों पर मां लक्ष्मी की अनुकंपा प्राप्ति हेतु परम पूज्य गुरुदेव सुरेश श्रीमाली जी ने अपने दिव्य शक्तियों द्वारा निर्माण किया है संपूर्ण भाग्यवर्धक विष्णु लक्ष्मी साधना का, जिसे संपन्न करके आप अपने सोए भाग्य को जगाकर अपने घर में मां लक्ष्मी का स्थिर वास बना सकते हैं। इस साधना में आप पाएंगे 9 अभिमंत्रित सामग्रियां, मंत्र चैतन्य युक्त संपूर्ण भाग्यवर्धक विष्णु लक्ष्मी यंत्र, अभिमंत्रित शंख चक्र, मंत्र सिद्ध लक्ष्मी चेतक, धनकारक कौड़ियां, तांत्रोक्त सरसों, मंत्र चैतन्य युक्त स्वर्णाकर्षण गुटिका, प्राण सिद्धि कमलगट्टा, अभिमंत्रित हल्दी की गांठ, मंत्र चैतन्य युक्त भाग्यवर्धक लक्ष्मी माला व अष्टगंध। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02915190000, 9829026625, 9314728165।